सारे किसान भाइयों ने राम राम। खेत किसान चैनल पर सारे किसान भाइयों स्वागत है। किसान भाइयों आज की कृषि समाचार लेकर के हाजिर हो गई हैं और आशा करते हैं कि आज के कृषि समाचार आपको जरूर पसंद आएंगे। आप अपने इस चैनल को अगर नए साथी तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने साथी है तो वीडियो को लाइक किया करें और कोई दिक्कत लगे या कोई खुशी हो तो कॉमेंट किया करें। तो किसान साथियों अपने अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर किया करें, अन्य ग्रुप्स वगैरह में जो भी आपके किसानों से संबंधित ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दिया करें ताकि किसान साथी हमसे जुड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो आज के कृषि समाचार इस प्रकार से हैं, कृषक उपहार योजना में 8 किसानों को निकले मोटरसाइकिल। किसान साथियों कल सिरसा में, सोमवार को सिरसा में ड्रा निकाला जाएगा, वहाँ पर देखो किसको क्या निकलता है। रैया गाँव की जमीन की निशानदेही कर दी गई है और बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस के साथ वहां पर एसडीएम और डीएसपी भी मौजूद रहे तथा हर प्रकार से वहां बंदोबस्त किया गया। तो वहां किसान जो है, आधे से किसान उसका विरोध कर रहे हैं और आधे किसान उसके, कुछ किसान उसके समर्थन में भी हैं। तो वहां सब प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए कल पुलिस बल के साथ एसडीएम और डीएसपी पहुँचे थे तथा उसमें किसानों को क्या क्या दिया जाएगा और क्या क्या किस किस सुविधाओं से वहाँ के गांव के किसान लाभान्वित होंगे, ये इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। सारी बताने से वीडियो थोड़ा सा लंबा होने की उम्मीद है। इस हार में तापमान जो है 0.3 डिग्री सेल्सियस रहा और आदमपुर में तापमान जो है माइनस में पहुँच गया है। तो किसान साथी जो अपनी फसल वादी हैं उनमें पानी लगा करके रखें तथा रात को धुआं कर दिया करें 2-3 घंटे के लिए, कोई अपना डाल करके खेतों का बचा हुआ चूरा आदि, जिससे वहाँ के जो फसल में नुकसान ना हो। विशेष रूप से सरसों की फसल को पाला मारने की संभावना रहती है इन दिनों में। गाय व भैंस की मौत हुई, कारण था बचा हुआ भोजन डालना। तो किसान साथियों अपने पशुओं को बचा हुआ भोजन डालने से पहले 2 बार विचार करें, 1 बार नहीं बल्कि 2 बार विचार करें ताकि आपको मुनाफे के स्थान पर नुकसान ना हो जाए। क्योंकि एक साथी की गाय व भैंस मर गई तो उसको काफ़ी लॉस हो गया। सरकार ने फसल का अपनी तरफ से नहीं दिया प्रीमियम और किसानों को ठेंगा दिखा रही है बीमा कंपनी। बीमा कंपनी किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। अम्बाड़ा में ओलावृष्टि के कारण उनकी फसल खराब हो गई थी। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले वो किसान साथी कई दिनों से लगातार अपना आंदोलन चलाए हुए हैं, लेकिन बीमा कंपनी उनको ठेंगा दिखा रही कि उनके पैसे नहीं दे रही। कारण ये जो बताया गया है वो बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो बीमा प्रीमियम देना था पॉलिसी के तहत वो सरकार ने नहीं भरा, इसीलिए उसको नहीं दिया जा रहा। तो किसान साथियों इसमें किसानों की तो गलती है नहीं, गलती सरकार की, तो सरकार अपना प्रीमियम दे और किसानों को उनके मुआवजा राशि दिलवाए। 9 वर्ष पर गन्ने की होली जलाएंगे किसान। गन्ने का बकाया है 11 करोड़ रुपए, वो किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान साथी जो किसान यूनियन के तहत अपना आंदोलन चलाए हुए हैं उनका आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमारा बकाया नहीं दिया जाता तो हम 1 तारीख को यानी कि नए वर्ष पर अपने गन्ने की होली जला करके इसको नए वर्ष को मनाएंगे। ये तो काफ़ी दुख भरी खबर है कि साथी अपनी फसल जला करके, गन्ने को जला करके अपना जो है नया वर्ष मनाएं। बाकी सारी दुनिया खुशी के साथ मना रही है और किसान साथी जो है दुख के साथ अपना प्रीमियम न देने के कारण, अपना बकाया न मिलने के कारण अपना नया साल जो है बुरी तरह से मना रहे हैं। सुरजेवाला का कहना है कि खट्टर खेती करके देखे तब उसे कठिनाई का पता चलेगा। तो किसान साथियों सुरजेवाला का कहना ये है कि किसानों की समस्याओं को सरकार सुन नहीं रही है और उनको उनका जो मुआवजा दी है तथा फसलों के दाम सरकार नहीं दे रही है। सरकार यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर खेती करके देखें तब उन्हें किसानों की उनका कठिनाइयों का पता चलेगा। हमें तो सारी सरकारें एक जैसी लगती हैं, किसानों को ठगने के लिए बैठी हैं, अब विरोध में बैठे हैं। तो अपने सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि किसानों को उन समस्याएं समझ रहे हैं, जब वो सत्ता में आ जाएंगे
तो वो लॉलीपॉप देना किसानों को शुरू कर देंगे, वो भी फसलों के दाम पूरे मुश्किल ही देते दिखे हैं। अगर कांग्रेस भी ऐसे समर्थन मूल्य और सारी चीज़ें देती होती तो जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो उन्हीं के टाइम पर आई थी, उन्होंने लागू क्यों नहीं की। उसके बाद है सोना, सोना जो है 32,490 रुपये प्रति तोला, कल के मुकाबले इसके 130 रुपये दाम कम हुए हैं। चांदी 39,225 रुपये, पेट्रोल 79 रुपये 31 पैसे ये कल से कम हुए हैं, और डीजल जो है 63 रुपये 25 पैसे, इसके दामों में भी कल के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट है। इसके बाद है बाजार भाव, किसान साथी बाजार भाव देखें, मंडी भाव देखें और हरियाणा की विभिन्न मंडियां देखें। हरियाणा की मंडियों के भाव आप शाम को डालते हैं, उसका भी वीडियो साथी जरूर देखें। और तापमान अधिकतम 20.60 डिग्री रहने की संभावना है तथा न्यूनतम 3 डिग्री रहने की संभावना है। तो किसान साथियों, ये आज के वीडियो थे, आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर किसान साथी चाहते हैं कि उनको मुआवजा दी मिले, उनकी आवाज़ उठाई जाती रहे, तो अपने वीडियो को लाइक कर दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, राम राम।